गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धोलिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक पाँच बेलम, श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बलबन की उपलब्धियाँ। कल हमने बलबन के प्रारंभिक जीवन और गद्दी पर बैठते समय उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके साथ साथ ही बलबन के राजतव सिद्धांत के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बलबन की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही, इन्होंने इनके सामने जो भी समस्याएं कठिनाइयां उत्पन्न हुई, चुनौतियाँ आई, उनका सामना किस प्रकार से किया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बलबन जिसका कि मूल नाम बहाउद्दीन था, इनकी जो उपाधि रही थी यासुद्दीन उल्लू खान रही थी। बलबनी वंश के ये संस्थापक थे। बलबनी वंश का अंतिम शासक जो है केपुबाग माना गया है। जैसा कि बलबन इलबारी तुर्क जाति से ही था, बलबन तुर्किस्तान के इलबारी तुर्क जाति से ही था। बचपन में ये मंगोलों के हाथों में पड़ गया था और इस प्रकार बलबन को एक दास के रूप में बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया गया था। बिकते बिकते इसको इल्तुतमिश ने खरीद लिया था दास के रूप में। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर बलबन उन्नति करता चला गया और उसे 40 गुलामों के दल में भी शामिल इल्तुतमिश ने कर लिया था। रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर भी नियुक्ति प्रदान की गई थी। बहराम शाह ने इसे हाँसी व रिवाड़ी की जागीरें प्रदान की थी। 1246 में नासिरुद्दीन महमूद के सुल्तान बनने पर बलबन को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। इस प्रकार बलबन की जो शासन अवधि है 1265 शासन से 1287 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। तो बलबन के गद्दी पर बैठते समय बलबन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जो कि चुनौती के रूप में रही थी। जैसा कि उस समय सल्तनत की आर्थिक दशा खराब थी, शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी, मंगोल आक्रमण का खतरा बढ़ रहा था, राजपूत शासकों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा मेवाड़ और दोआब कटिहार के विद्रोहियों की गतिविधियां भी जोरों पर रही थी। इस प्रकार आइए हम देखते हैं बलबन की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही। पहली उपलब्धि थी मेवाड़ियों का दमन। बलबन को गद्दी पर बैठने के पश्चात अनेक कठिनाइयों समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसके समय में अनेक विद्रोह हुए जिसका कि बलबन ने सफलतापूर्वक निवारण किया था। बलबन ने लोहे और रक्त की नीति के द्वारा
इन विद्रोहों को कुचल दिया था। इस समय जो मेवाती लोग थे वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में काफी लूटमार मचाते थे। मेवाती लोग जो कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में काफी लूटमार मचाते थे, अतः बलबन ने मेवातियों के दमन के लिए एक शक्तिशाली सेना जो है इसके विरुद्ध भेजी। इस सेना के द्वारा अनेक मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया गया और इसके पश्चात जंगलों को साफ किया गया, नई सड़कें बनवाई गई और एक वर्ष के भीतर ही मेवातियों का जो विद्रोह है वह शांत हो गया था। तो मेवातियों का विद्रोह का दमन जो कि बलबन की एक उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि इस समय मेवाती लोगों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी लूटमार मचा रखी थी, अतः बलबन ने इसके दमन के लिए अपनी शक्तिशाली सेना इनके विरुद्ध भेजी। सेना के द्वारा अनेक मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया गया था और इसके पश्चात जंगलों को साफ कर सड़कें बनवाई गई और एक वर्ष के भीतर ही मेवातियों के विद्रोह शांत हो गए। नंबर दो है दोआब के विद्रोहियों का दमन। नंबर दो है दोआब के विद्रोहियों का दमन। दोआब के विद्रोहियों का दमन मेवातियों के दमन के बाद बलबन ने दोआब के विद्रोहियों का दमन किया। कंपिल, पटियाली, भोजपुरी आदि उस समय विद्रोहियों के मुख्य केंद्र रहे थे। कंपिल, पटियाली, भोजपुरी आदि विद्रोहियों के मुख्य केंद्र थे। ये लोग क्या करते थे, यात्रियों और व्यापारियों को लूट लिया करते थे। ये लोग यात्रियों और व्यापारियों को लूट लिया करते थे। बलबन ने इन विद्रोहियों का दमन करने के लिए प्रस्थान किया और विद्रोहियों के केंद्र और बस्तियों को बलबन के द्वारा नष्ट कर दिया गया। अनेक स्थानों पर सैनिक चौकियां स्थापित की गई और दोआब के विद्रोहियों पर कड़ी निगरानी रखी गई थी। इस प्रकार बलबन ने अपनी योग्यता और प्रतिभा से दोआब के विद्रोहियों का दमन किया, जिनकी मुख्य जो केंद्र थे कंपिल, पटियाली और भोजपुरी रहे थे। ये लोग यात्रियों और व्यापारियों को लूट लिया करते थे, अतः बलबन ने इन विद्रोहियों का दमन करने के लिए स्वयं प्रस्थान किया और विद्रोहियों के केंद्रों और बस्तियों को नष्ट कर दिया गया। तीन नंबर पर है उपलब्धि इसकी कटिहार के विद्रोह का दमन। कटिहार के विद्रोह का दमन बलबन ने कटिहार के विद्रोह का भी सफलतापूर्वक निवारण किया। उसने वहां 9 वर्ष के ऊपर सभी पुरुष जातियों के लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया गया था। स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। इसके पश्चात जो बलबन है उन्हें दिल्ली लौट आता है। तो इस प्रकार कटिहार के विद्रोह का दमन बलबन ने सफलतापूर्वक किया। 9 वर्ष के ऊपर के सभी पुरुष जातीय लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। इसके पश्चात जो बलबन है दिल्ली लौट जाता है। इस प्रकार कटिहार के विद्रोह जो बलबन के शासनकाल में हुआ करते थे, इसका बलबन ने सफलतापूर्वक निवारण किया।
चार नंबर उपलब्धि है बंगाल के विद्रोह का दमन। '1779 में बंगाल का सूबेदार इस समय तुगरिल ने बलबन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। बलबन ने उसके दमन के लिए अमीन खान और तिरमती खान के नेतृत्व में अलग अलग सेनाएं भिजवाई, लेकिन इन्हें राज्य का मुंह देखना पड़ा था। इस पर बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां के साथ 200,000 सैनिकों को साथ लेकर बंगाल की ओर प्रस्थान किया। बलबन के आक्रमण की सूचना पाकर तुगरिल जो है राजधानी लखनौती छोड़कर भाग जाता है, लेकिन बलबन के सैनिकों द्वारा इसे पकड़ लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। इस प्रकार तुगरिल के विद्रोह का दमन बलबन ने बड़ी सफलतापूर्वक किया। तुगरिल के समर्थकों और परिवारजनों के लोगों को कठोरतापूर्वक कुचल दिया जाता है और बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। इसके पश्चात जो बलबन है वापिस दिल्ली लौट जाता है। बंगाल के विद्रोह का दमन करना इल्तुतमिश की एक प्रमुख उपलब्धि रही है। बंगाल का शासक जो सूबेदार था तुगरिल था, जिसने कि बलबन के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इस पर बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां के नेतृत्व में 200,000 सैनिकों सहित स्वयं प्रस्थान करता है। तुगरिल भयभीत होकर भागने का प्रयास करता है, लेकिन बलबन के सैनिकों द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसके पश्चात बंगाल का जो शासक है वह बुगरा खां को बनाया जाता है, जो कि बलबन का पुत्र था। इस प्रकार बलबन ने मेवातियों का दमन किया, दोआब के विद्रोहियों का दमन किया, कटेहर के विद्रोह का दमन बलबन के द्वारा ही किया गया। इसके अलावा बंगाल के विद्रोह का दमन जो कि बलबन के द्वारा ही किया गया था, बंगाल के सूबेदार तुगरिल ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया था, जिसका कि दमन बलबन के द्वारा कर दिया गया। अन्य कार्य राजतव सिद्धांत, जिसकी जानकारी हमने कल के वीडियो में प्राप्त की थी। बलबन के अनुसार सुल्तान निरंकुश और स्वेच्छाचारी होता है, जिसे कोई आज्ञा नहीं दे सकता। बलबन के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः प्रजा को उसकी आज्ञा माननी चाहिए। बलबन के अनुसार सुल्तान का जो पद है अत्यंत ही पवित्र और गौरवशाली माना गया है। बलबन के अनुसार सुल्तान उच्च वंश से संबंधित होता है, अतः उसे निम्न वर्ग के लोगों से नहीं मिलना चाहिए। ये था बलबन का राजतव सिद्धांत। दो नंबर पर है सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बलबन एक निरंकुश व स्वेच्छाचारी शासक था, अतः उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे।
सबसे पहले बलबन ने दरबार को बलबन ने अपने दरबार को ईरानी ढंग से सुसज्जित करवाया। पद की प्रतिष्ठा हेतु बलबन ने अपने दरबार को ईरानी ढंग से सुसज्जित करवाया। दूसरी कार्य दरबारियों के लिए बलबन ने एक विशेष पोशाक निर्धारित की थी। दरबारियों के लिए बलबन ने एक विशेष प्रकार की पोशाक निर्धारित की। बलबन पहला तुर्क शासक था जिसने की शिष्टता और बेहोश के नियम लागू किए थे। बलबन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के लिए शिष्टता बेहोश के नियम लागू किए। शिष्टता अर्थात सुल्तान को झुककर प्रणाम करना, बेहोश अर्थात सुल्तान को दंडवत प्रणाम करते हुए उसके कदमों को चूमना, ये जो प्रथा है बलबन के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो इस प्रकार बलबन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के लिए सिजदा और पेबोज के नियम लागू किए, अर्थात सुल्तान को झुककर दंडवत प्रणाम करते हुए उसके कदमों को चूमना, प्रथा बलबन के द्वारा ही शुरू की गई थी। इसके अलावा बलबन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसने सुल्तान ने शराब पीकर दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा बलबन ने दरबार में हंसी मजाक पर भी रोक लगा दी थी। इस प्रकार बलबन ने कठोरतापूर्वक शासन का संचालन किया था। इसके साथ साथ ही बलबन ने 40 गुलामों की दल की शक्ति का अंत कर दिया। 40 गुलामों के दल का जो गठन है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इस 40 गुलामों के अंतर्गत इल्तुतमिश ने योग्य प्रतिभावान हुष्ट-पुष्ट बलिष्ठ व्यक्तियों को शामिल किया और उन पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई थी। बलबन स्वयं भी 40 गुलामों के दल में शामिल था। तो इस प्रकार 40 गुलामों ने इल्तुतमिश के शासन कार्यों में और दिल्ली सल्तनत को मजबूती सुरक्षा प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और दिल्ली साम्राज्य के विस्तार में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। लेकिन बलबन के गद्दी पर बैठते ही इन 40 गुलामों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अतः बलबन जो है इस कार्य से काफ़ी नाराज था और उसे ऐसा लगता था कि ये पग पग पर बलबन के शासन कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। अतः एक एक करके बलबन ने इन 40 गुलामों के दल की शक्ति का अंत कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि 40 गुलामों ने बलबन के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। यही कारण है कि बलबन ने 40 गुलामों की दल की शक्ति का अंत कर दिया था। ये था सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा हेतु बलबन द्वारा किए गए कार्य। नेक्स्ट है सैन्य सुधार। नेक्स्ट है सैन्य सुधार। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को सुरक्षा और मजबूती प्रदान करने के लिए शक्तिशाली विशाल सेना का निर्माण किया। उसने बूढ़े व अयोग्य सैनिकों को पेंशन दे दी और उसकी जगह योग्य सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। बलबन ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। सैनिकों के अनुशासन और प्रशिक्षण व अस्त्र शस्त्रों की भी बलबन के द्वारा पूरी व्यवस्था करवाई गई थी। इस प्रकार बलबन ने अपनी सेना में योग्य प्रतिभावान व्यक्तियों को भर्ती किया और इनमें अच्छा अनुशासन रखा, जिसके परिणाम स्वरूप
दिल्ली सल्तनत को सुरक्षा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है गुर्जर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था तो बलबन ने साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में गुप्तचर नियुक्त किए। ये गुप्तचर साम्राज्य में होने वाली घटनाओं की जो सूचना है बलबन को देते थे। जो गुप्तचर अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं करता था बलबन के द्वारा उसे कठोर दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। बलबन एक न्यायप्रिय सुल्तान था और अपनी प्रजा को निष्पक्ष न्याय प्रदान करता था। अपराधी पाए जाने पर उसने मंदाइयों के सूबेदार मलिक बकबक और अवध के सूबेदार हेबाद खान को भी उसने दंडित किया था। इस प्रकार जो बलबन है अपनी प्रजा को निष्पक्ष न्याय प्रदान करता था। नेक्स्ट है मंगोल संकट। मंगोल संकट तो बलबन ने दिल्ली सल्तनत की रक्षा हेतु निम्नलिखित कार्य किए थे जैसा कि बलबन ने सीमांत क्षेत्र के पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई। बलबन ने सीमांत क्षेत्र के पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई। नए दुर्ग बनवाए गए जिसमें सैनिक टुकड़ियां सुरक्षित रखी गई और इसके द्वारा मंगोलों के होने वाले विद्रोह का दमन किया गया। दूसरा प्रयास बलबन ने सीमांत प्रदेशों की रक्षा के लिए भी योग्य और अनुभवी सैनिकों की नियुक्ति प्रदान की। इसके अलावा मंगोलों के अचानक आक्रमण का सामना करने की दृष्टि से बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति का बाद में त्याग कर दिया था। 1279 में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया परंतु बलबन की सेना ने उन्हें पराजित कर दिया था। 1285 में तैमूर खान के नेतृत्व में मंगोलों ने फिर से आक्रमण किया। यद्यपि बलबन के बेटे महमूद ने मंगोलों को पराजित तो कर दिया था लेकिन वह स्वयं इस संघर्ष में मारा जाता है। इस प्रकार मंगोल संकट से रक्षा करने हेतु बलबन ने अनेक प्रयास किए ताकि मंगोलों के होने वाले आक्रमण का तत्काल दमन किया जा सके। तो इस प्रकार बलबन ने योग्य प्रतिभावान बुद्धिमान शासक था। बलबन एक वीर योद्धा माना जाता है क्योंकि इसने कटिहार के विद्रोह का दमन किया, मेवातियों का दमन किया, मंगाल के विद्रोह का दमन बलबन के द्वारा ही किया गया था। कटिहार के विद्रोह का दमन जो कि बलबन के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था। बलबन एक योग्य शासक था, कठोर मुद्रा में शासन करता था, अपनी सेना और प्रजा में पूरा अनुशासन इसके द्वारा स्थापित किया गया था। प्रजा को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना बलबन अपना मुख्य कर्तव्य मानता था। चूंकि बलबन निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था फिर भी प्रजा हित के लिए इसने अनेक कार्य किए थे। इसके साथ साथ बलबन एक साहित्य प्रेमी भी था लेकिन इसमें अर्थात बलबन में कुछ दोष और कमियां भी रही। जैसा कि बलबन एक धर्मांध व्यक्ति था और हिंदुओं के प्रति इसका जो व्यवहार अच्छा नहीं था। कुछ दोष होते हुए भी बलबन एक वीर योद्धा, सुयोग्य शासक
चतुर राजनीतिज्ञ माना जाता है, जिसने साम्राज्य में फैली अशांति और अव्यवस्था को समाप्त किया तथा दिल्ली सल्तनत को विद्रोहियों के आक्रमण से बचाए रखा। मंगोल आक्रमण से भी दिल्ली सल्तनत की इसने रक्षा की थी। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है बलबन की उपलब्धियां अर्थात मेवातियों का दमन, दोआब के विद्रोही का दमन, कटिहार के विद्रोहियों का दमन और बंगाल के विद्रोह का दमन, इसका कि संचित निवारण बलबन के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था। इसके साथ साथ अन्य कार्यों में बलबन का राजपद सिद्धांत, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा हेतु बलबन द्वारा किए गए कार्य, बलबन के द्वारा किए गए सैन्य सुधार, गुप्तचर व्यवस्था स्थापित करना, उचित न्याय प्रबंध करना अर्थात प्रजा को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना और मंगोल आक्रमण से देश की रक्षा करना बलबन के अन्य महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। यह टॉपिक आज यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।